ओम शांति। जरा अपने भाग्य को देखकर परमानंद की ओर चलें। कैसा सुंदर भाग्य मिला कि सवेरे आंख खुलते ही भगवान भाग्य लेकर हमारे सामने खड़ा होता है। स्वयं भाग्य विधाता प्रजापिता ब्रह्मा हमारा आह्वान करते हैं, आओ बच्चे, राज्य भाग्य तुम्हारे लिए है, मुझसे ले लो। और वरदान देने वाले बाबा हम सभी को अपने साथ रखते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं, तिलक लगाते हैं और कहते हैं, बच्चे, बाप से रोज ब्रह्म मुहूर्त में मन चाहा वरदान ले लो। अपने भाग्य को जरा देखें तो सही, छोटी छोटी बातों के चिंतन से अपने इस महान भाग्य को भूल न जाएं, जिसके दर्शनों के लिए भक्त तरस रहे हैं, पैदल चल रहे हैं मीलों मील। वो स्वयं हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर है, प्रस्तुत है। लेंगे? सोच लें आप सभी, कितना बड़ा स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ में आया है। तो रोज सवेरे उठें अवश्य, सवेरे के समय को महत्व दें। और ये कार्य वही कर सकेंगे जो रात को अच्छे अभ्यास करके सुंदर लक्ष्य बनाकर सोएंगे कि सवेरे मुझे बाबा से इस तरह मिलन मनाना है, ये वरदान लेना है, संसार को देना है, सुंदर समय होगा, हम भगवान से मिलेंगे, उससे बातें होंगी, अपने दिल का हाल सुनाएंगे, उसके प्यार की दिव्य अनुभूतियां करेंगे। ऐसा लक्ष्य बनाकर और दिल में लगन बढ़ाकर यदि हम सोएंगे तो सवेरे के समय का इंतजार रहेगा और कोई भी सुस्ती अलबेलापन पास नहीं भटकेगा। परंतु ये परम आवश्यक होता है कि रात का भोजन भारी ना हो, पेट की स्थिति बहुत अच्छी हो और जल्दी सो जाएं। जल्दी का अर्थ 8-9 बजे नहीं, पर 10-10:30 तक अवश्य सो जाएं। अपने कार्यों को ऐसा मैनेज करें तो सवेरे उठकर हम योग युक्त हों, अर्थात सूक्ष्म लोक में बाबा के पास पहुंचे। परम धाम में भी हम पहुंचते हैं, वहां हम शक्तियां लेते हैं, शांति का बल प्राप्त करते हैं। लेकिन सूक्ष्म लोक में जो बाप दादा का कार्य करने का प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड स्टेज बनी हुई है, वो वर्ल्ड को बदलने के लिए जहाँ से सर्वशक्तिवान अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं, पहुंचे वहां बहुत गुड फीलिंग में, सामने बाप दादा हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दें हमें वे और हमारा आह्वान कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। और बहुत प्यार से पहुंच जाएं बाबा के पास गले मिलने और देखें, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाकर मुझे ये वरदान दिया, बच्चे अमर भव, माया जीत भव, क्रोध जीत भव, श्रेष्ठ योगी भव, सदा प्रसन्न भव। बस स्वीकार करने से और फिर परमधाम में पहुंचे, शक्तियां भरें स्वयं में, ये शक्तियां बुद्धि में समा जाएंगी और ऐसी शक्तिशाली बुद्धि ही वरदानों को धारण करने में सक्षम रहेगी। ध्यान रखना है, जिन्हें इन वरदानों की श्रेष्ठ अनुभूति करनी है,
उन्हें सारा दिन व्यर्थ से मुक्त रहना होगा, बस अब एक ही एक, उसका ही चिंतन, उससे ही बातें करना, उससे ही योग युक्त रहना, उसके द्वारा दिए गए स्वमानों का अभ्यास करना, उसकी छत्र छाया में रहना, उसके अलावा कुछ नहीं, व्यर्थ का कोई स्थान नहीं। आपको बच्चों की पालना करनी है, अवश्य करें, कार्य करने हैं अवश्य करें, लेकिन प्रभु चिंतन, उसका प्रेम हमारे जीवन पर इस तरह छा गया हो कि उसके अलावा हमारी वृत्ति कहीं भी न जाए, तो आज सवेरे ये वरदान लेंगे और सारा दिन बीच बीच में उसको स्मृति में लाएंगे। ओम शांति।